छमिया लग रहा है छमिया। पंकज भाई ये देखो। कैमरे के साथ भी कंफर्टेबल होना पड़ेगा मेरे को। अब जो नए व्यूअर्स हैं उनको, जिनको नहीं पता, तो इससे पहले वाले व्लॉग एक बार देख लीजिए जिसमें मेरी अच्छी हंसी दाढ़ी है। और कल गलती ये हुई कि मैंने एक निर्णय लिया, एक प्रण लिया कि मैं अपने आप दाढ़ी काटूंगा, तो यहाँ से ज़्यादा कट गई तो पूरा चिकना होना पड़ा। और उसके बाद पता चला कि मेरी ठुड्डी नहीं है। जो भी है, आगे बढ़ते हैं। आज है थोड़ा स्पेशल काइंड ऑफ डे, क्योंकि बहुत टाइम पहले मैं गिग्स वगैरह करता था, उसके बाद रुका, फिर मैं गिग्स करने लगा। एंड देन एक चीज़ हुई कि सबने बोला जॉब वगैरह कर लो, जॉब वगैरह कर लो। सो जॉब करने लगा उसके बाद मैं, और ठीक ठाक अर्निंग आ जाती थी। बट वो ये ना यार, जो आदमी ने अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू कमा लिया और उसका खा लिया, वो जॉब के थ्रू वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता उसे, चाहे जितनी मर्जी सैलरी हो, चाहे मैं ट्रिपल या फोर टाइम्स कमा रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने दिसंबर में करीब जॉब छोड़ दी। एंड देन मैं पूरा सोशल पे आ गया, व्लॉग्स बनाने स्टार्ट कर दिए। ये सबको करते हैं साइड, अब मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। अभी के लिए आज का दिन है, आज है थर्सडे, तो आज स्पेशल ये है कि आज के दिन से जो स्टार्ट होने वाला है वो है गिग्स का सिलसिला। और काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था मैं, 3 महीने में कुछ नहीं, मैंने गिग्स के लिए मैंने ट्राई ही नहीं करा। सो जिनको नहीं पता, आई मीन मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स को पता ही नहीं होगा कि मैं गिग्स वगैरह भी करता हूँ, और मैं गिटारिस्ट हूँ, और मैं कोरस देता हूँ अपने लीड सिंगर को, एंड मैं परकशन में हॉर्न और जैम्बे बजाता हूँ। सो ये सब एक साइड, आज मेरे को गिटार और कोरस के लिए जाना है हेमंत के साथ, और आज जाना है सेक्टर 104 नोएडा, तो उसके लिए मैं अभी रेडी हो रहा था। और जिम मैंने पहले निपटा लिया, जिम मैंने 3 से 4 के बीच में निपटा लिया था, और अभी मैं ले रहा हूँ अपनी 4th या 5th मील, जिसमें कि अगर दिख रहा होगा तो चिकन ब्रेस्ट होल। मैं आपसे एक हफ्ते से, मतलब चिकन ब्रेस्ट के, मैं बोनलेस चिकन के पीसेस नहीं कराता था, मैं एक ही वो डलवा लेता था, आई मीन बहुत सारी ब्रेस्ट डलवा लेता था बिना पीसेस कराए, सो दैट मैरिनेट करने में ईजी रहे और खाने में भी ईजी रहता है और बनाने में भी ईजी रहता है। यू नो, छोटे छोटे टुकड़े साफ वगैरह इतने ज़्यादा करने पड़ते हैं कि पूछे मत। तो अभी चिकन राइस खा रहा हूँ, मैरिनेटेड वाला चिकन है, बहुत यम है। और अभी हम जाएंगे सेक्टर 104, और ये फटाफट खाता हूँ। बाय द वे मैंने न्यू कैप ली है, ये वाली, और इसके अलावा एक और ली है, ये वाली, बहुत 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 ज़्यादा अल्ट्रा चीप रेट पे लिया मैंने, वो रेट नहीं बताऊँगा भाई, तो मेरे को बोलोगे कैसा इंसान है। तो मेरी एक्चुअली एक ऐसी कैप, बेसिकली एक बेसबॉल कैप मेरी रह गई थी किसी फ्रेंड पे, जो कि मेरी थी नहीं फर्स्ट हैंड पे, मेरी जो थी वो साहिल के पास थी, और साहिल की मेरे पास थी, जो कि मेरे पे बहुत टाइम से है, ऑलमोस्ट साल होने वाला या फिर बहुत सारे महीने होगा, वो भी अब लकी के पास है, जो राइड करने गए थे हम लास्ट टाइम उसी के बैग में रह गई थी। तो जो भी है, किसी को समझ नहीं आया ये, तो वो कैप उधर रह गई, तो मैं एक्स्ट्रा 2 कैप ले आया, लाने एक कैप गया था मैं, क्योंकि एक ही कैप पहनता हूँ मैं, बट इतना तगड़ा प्राइस मिल रहा था, मैं 2-2 ले आया, और मेरे को पंकज और मनोज मिले थे। तो मनोज का कुछ काम है जो कि वो हो नहीं पा रहा, और मनोज के साथ उसकी बाइक की वीडियो आने वाली है बहुत जल्द, कि क्या उसने मॉडिफिकेशन कराया है उसकी बाइक में, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और अभी के लिए मैंने, बाय द वे, अपना हेलमेट का जो वाइज़र था वो स्मोक ब्लैक से नॉर्मल करवा लिया है, क्योंकि जो वो वाला था उसमें बहुत सारे स्क्रैचेज आ रहे थे, तो मैंने चेंज कर लिया। उसकी पैडिंग्स वगैरह पूरी अच्छे से मैंने साफ़ कर ली। तो फटाफट हेलमेट उठाते हैं, ये मील फिनिश करते हैं, कैप उठाते हैं, और ये भी टी शर्ट, ये जो पहनी है ये मैंने भाई की पहनी है, पड़ी थी उसके रूम में, वहाँ से चोरी कर ली, अच्छी लग रही थी। और निकलते हैं ट्रायल के लिए सीधा सेक्टर 104, उससे पहले हेमंत को उठाना है, और बाइक से ही जा रहे हैं, तो वो गिटार ले आएगा अपना, मेरे को गिटार ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी बैटरी नहीं है गिटार की, सेमी एक्यूस्टिक है मेरा, तो वहाँ से वो गिटार ले आएगा, यहाँ से मैं बाइक ले जाऊँगा, और मैं ले जाऊँगा ट्राईपॉड, और हो सके तो मैं क्या बोलते हैं, आपको बिट्स दिखाऊँगा हमारे सेशन की, छोटा सा सेशन कैसा रहा, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कैसा रहता है कैसा नहीं रहता। बट 110, मेरे को ऐसा लग रहा है 98%, 110 नहीं, 98% गिग्स मिल जाएंगे,
और फ्राइडे टू फ्राइडे हमारा रहेगा सेशन, आज है थर्सडे, लेट्स सी कैसा रहता है। अभी खा कर उसके बाद मिलता हूँ तुम्हें, ठीक है? चलो ये बीज बेकार है सामने। ओह शिट, बस मेरी शक्ल के अलावा पूरा इतना ऐसे मस्त लग रहा हूं ना मैं। फटाफट चलते हैं, जूते पहनिए, सब कुछ पहनिए, कपड़े पहनिए, राधे टी शर्ट पहनिए, नई नई टोपी पहनिए, जूते पहनिए, कॉन्वर्स भी अभी आए थे और आज मैंने जीन्स पहनी है। फटाफट चलते हैं, रास्ते में मिलता हूँ तुम्हें हेमंत के पास सीधा, अभी इसके बाद आएगा तो वो होगा हेमंत। चलो ओके रहो भाई, मैं सच बता सच बता दाढ़ बिना दाढ़ी कैसा लग रहा हूँ? हाँ ठीक है भाई। अबे यार ब्लॉग में तेरे को थोड़ी देर बोल, अबे बोल ना, मैं चाहता हूँ। मैं नहीं जा रहा ओए पर ठीक है, ब्लैक ब्लैक हो गए, ब्लैक ब्लैक हो गए, बढ़िया हो गए तो यार। तेरा फेवरेट है क्या ब्लैक? हाँ ऑब्वियसली यार। वाह एक कैप लाया तेरे भाई, इतनी प्यारी है ना, देख के तो पहनूंगा बैग में सब इसमें। तो भाई हेमंत भाई गिटार ले आए हैं, सारा कुछ सेट है, मेरे पास ट्राईपॉड है, फटाफट निकलते हैं सीधा नोएडा मिलते हैं। भाई बोले मेरी वीडियो बहुत अच्छी बनी है जो इसने बनाई थी।
यहाँ सुर जाता है मेरा? नहीं सुर नहीं गया। अच्छा हाँ नहीं गया, बहुत मुझे ही लगता है। मैं तेरा गाना सुन के मैं भावुक हो गया था भाई। तो भाई गिग वगैरह हो गया, मतलब ट्रायल वगैरह हो गया, अब बात करके निकलते हैं घर फटाफट, लेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। रूट 104 से निकलेंगे फटाफट, यहीं हम गुजरात के ऊपर। हाँ एक हाथ की दूरी में तय कर दिया था गुजरात में। हाँ तो फटाफट इनसे फीडबैक लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। कल दोबारा आता हूँ, कल शायद ब्लॉग इधर का बने पूरा अच्छे से। ओके जिसने हंसना है हंस लो, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। मौका मिलेगा भाई, दो तीन हफ्ते तक तो मौका मिलेगा हंसते रहो स्ट्रगल पे। यार टूटेगा यार मेरी, तो ये सब छोड़ो भाई। तो ट्रायल बहुत ज़्यादा अच्छा था, आई होप जो मैंने क्लिप्स ऐड करी होंगी वो आपको पसंद आई होंगी। मैंने ऑडियंस रिएक्शन नहीं लिया क्योंकि अगर मैं कैमरा को उस साइड फेस कर रहा तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते जो आसपास के टेबल वाले लोग थे। सो वी डोंट वांट दैट टू हैपन। आई होप टेबल की आवाज़ भी आपको पसंद आई होगी क्योंकि मेरे को तो भाई बहुत ज़्यादा पसंद आती उसकी आवाज़। तो रही बात ये सारी, छोटा सा गाया था बट इसको भी हमने एक्सटेंड कर दिया, बहुत ज़्यादा गाया, बहुत मज़ा आया, ऑडियंस इन्जॉय करी थी। तो कल देखते हैं, कल भी दोबारा मैं वीडियो बनाऊंगा, ब्लॉग बनाऊंगा और उसमें भी छोड़ूंगा, उसकी क्लिप डालूंगा आने वाली की हमारी। ये जो हमारी प्लेस है जहाँ पर हमने गाया है, ये आपका है रूम 104 सेक्टर नोएडा, ठीक है। तो अभी के लिए खाना वाना मैंने खा लिया, अच्छे से सेट हो गया एकदम, वहाँ पर नहीं खाया अभी, घर आकर खाया मैंने खाना, वो अच्छे से सेट हो गया। एक दो ब्लॉग ऑलरेडी मेरे पे बने हुए हैं, बहुत सारे पेंडिंग हैं, जैसे कि एक मनोज का ब्लॉग है, उसकी बाइक का पर्टिकुलर उसकी बाइक का ब्लॉग है जो कि हमने करोड़ बार जाकर आधा शूट करा है और आधा शूट करना रहता है क्योंकि उस पर जो प्रिंटिंग की चीज़ है, जो उस पर प्रिंटिंग होनी है स्टिकर्स की, वो रहती है। तो वो भी आपको इसके नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट नेक्स्ट में देखने को मिल जाएगा। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और हेमंत की आवाज़ भी आपको पसंद आई होगी, हमारा भी कुछ आपको पसंद आया होगा। तो अभी के लिए ब्लॉग खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके अच्छा था।